Hi, if you get tired, learn to rest, not to quit. Today is 10th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is quiz number 70, polity ke answers hain. Fundamental duties of Indian citizens were provided by an amendment. Constitution mein shuruaat se fundamental duties nahi thi. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था. स्वर्ण सिंह कमेटी. नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी है एवरी सिटीजन का. कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर करता है स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब आर्टिकल 32. द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिटेल्ड प्रोविज़न है सिटीजनशिप के. जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास राइट है टू मेंशन द कंडीशंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन. आज के सवाल हैं, growing different crops one after the other on the same field during different crop seasons is called what? Kis type ka cropping ye hota hai? Millets are called coarse grains and constitute mainly of, ye jo mota anaj hota hai ye kya isme included hai? Which of the following is not an Indian breed of cow? Everything else can wait but not agriculture, ye statement kinko attributed hai? Which one of the following methods of soil conservation is most effective in arid area, sukha, kam barish wale area mein kaun si method sabse zyada effective hogi? Aaj ki vocabulary hai rumbling. Rumbling matlab hota hai gadgadahat, badalon ka rumbling. Prophylactic ka matlab hai wo pratibandhak hai, concerned with or something to keep something from happening, precautionary hai, preventative hai, preventive hai. पेलुसिड का मतलब होता है वो पारदर्शक है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट से प्लास्टिक शीट. प्रिकैरियस मतलब होता है अनिश्चित, नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन पोजीशन, अनसर्टेन, ट्रीचरस. कोनोटेशन का मतलब होता है उसका अर्थ, एन आइडिया और फीलिंग दैट अ वर्ड इन्वोक्स इन एडिशन टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग. सो ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary बहुत ज़रूरी है और vocabulary in use भी होना चाहिए. In use, expressions में correct सही शब्दों का, सटीक शब्दों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है. So this is vocabulary. Now this is CSAT. CSAT का ये reading comprehension है और ये paragraph पढ़िए और इसका जवाब दीजिए. Then this is again general mental ability. इसमें बताइए best conclusion क्या आप यहाँ से draw कर सकते हैं. Then this is news bites number 14. पहला जो आज यहाँ पे सवाल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका सवाल है कि what is the name of the Bengali literary journal started by Bankim Chandra Chatterjee जी in 1872. इसका आंसर बताइए. बूझो तो जाने. आज हम आगे मॉस्किटो के बारे में भी पढ़ेंगे. मॉस्किटो एक वेक्टर होता है, डिसीज़ कैरिंग, पैरासाइट्स कैरिंग वेक्टर, जरिया. तो कुछ मॉस्किटो और जो पैथोजन है, पैथोजन मतलब डिसीज़ कॉजिंग एजेंट्स, उनका ये कुछ एक अच्छा लिस्ट है. फॉर एग्जांपल, मलेरिया होता है एनोफिलिस मॉस्किटो से, पैरासाइट. डेंगी होता है वायरस से, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो. जापानीज एनसेफेलाइटिस होता है वायरस से, क्यूलेक्स मॉस्किटो. काला आजार होता है सैंडफ्लाई पैरासाइट से. और लिम्फेटिक दिस फाइलेरियासिस होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो से. चिकनगुनिया होता है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से. तो ये कुछ पैथोजन्स हैं और ये उसकी रिलेटेड डिसीजेज. देन डिड यू नो, मे आंसर दिस क्वेश्चन. डिड यू नो में एक फैक्ट है, द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त. 15 अगस्त मतलब रेड फोर्ट. प्रेसिडेंट अनफर्ल करते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे, मतलब राजपथ. तो 26 जनवरी मतलब प्रेसिडेंट, 15 अगस्त मतलब प्रधानमंत्री. ओके, देन ये कुछ वाइल्ड स्पीशीज़ हैं और इसकी एक्सट्रैक्टिव प्रैक्टिसेस क्या है. कल हमने देखा था वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स,
एक्वाटिक एनिमल का फिशिंग होता है, प्लांट्स की हमसे गैदरिंग करते हैं, ट्रीज का लॉगिंग होता है, पेड़ों को काटना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का भी हार्वेस्टिंग होता है, हंटिंग होता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह ये सारी स्पीशीज़ हैं, इनका यूजेज हो सकता है सेरेमनी रिचुअल में, डेकोरेटिव एस्थेटिक में, एनर्जी, फूड, लर्निंग एजुकेशन, मटेरियल, मेडिसिन, रिक्रिएशन एंड अदर्स में। तो ये जो स्पीशीज़ हैं फ्लोरा एंड फौना, ये एनवायरनमेंट सर्विसेज भी करती है और जो ह्यूमन इकोनॉमी, ह्यूमन लाइफ है, इसमें भी एसेंशियल सप्लाईज इन स्पीशीज़ के थ्रू मिलता है। सो दैट इज़ वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इजिप्ट अभी फिर से न्यूज़ में है, तो ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपका, दिस इज़ कॉल्ड इजिप्ट। तो ये अफ्रीका में भी है और फिर ये यहाँ थोड़ा एशिया में भी आ रहा है, एंड दिस इज़ कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला। और यहाँ पर आ जाता है इज़राइल, देन दिस इज़ जॉर्डन, यहाँ पर है सऊदी अरेबिया, ये गल्फ़ ऑफ अकाबा है, ये गल्फ़ ऑफ स्वेज है, और यहाँ स्वेज कैनाल में अभी एक ट्रैफिक जैम लग गया था। देन फिर यहाँ पे आ जाता है मेडिटेरेनियन सी, लिबियन डेजर्ट है, दिस इज़ लिबियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, सहारा। तो ये यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ इजिप्ट। इजिप्ट किस लिए फेमस है? पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। तो मेडिटेरेनियन नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ स्वेज है, रेड सी है, लिबिया है, सूडान, पेलस्तीन, गाज़ा स्ट्रिप एंड इज़राइल। तो ये बाउंड्रीज़ हैं इजिप्ट की। सिनाई पेनिनसुला इज़ पार्ट ऑफ इजिप्ट। ज्योग्राफिकल फीचर्स में यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम है नाइल, और व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर, उसका नाम क्या है? टेल, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मतलब बाय वॉल्यूम। हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पे माउंट कैथरीन। मेन डेजर्ट है ईस्टर्न डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, लेक नसीर एंड दिस, यहाँ पर एक आसवान हाई डैम भी है नाइल रिवर पे। ये जो नाइल रिवर है ये ओरिजिन कहाँ से हो रही है ये भी बताइए। नाइल रिवर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ये जो रिवर है ये लाइफ लाइन है इजिप्ट की, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। यहाँ स्वेज कैनाल भी है, आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया है जिससे रेड सी और मेडिटेरेनियन सी कनेक्ट होता है। सो दीज आर सम क्विक फैक्ट्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। सो दिस इज़ न्यूज़ बाइट्स नंबर 14। नाउ दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर, July 10th, 2022। आज संडे है, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, FAQ एट्सेट्रा सेक्शंस कवर करेंगे। बिफोर दैट ये आपके आंसर्स हैं 8th of July के क्वेश्चंस के। तीन सवाल थे, पहला रिवराइन फ्लड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा भी बहुत अच्छा सवाल था, कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया। देन एक नीट मैप ड्रॉ करना था इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो आपने यहाँ पे सबमिशंस किए हैं, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। तो सी, लुक एट द कॉपीज, दिस इज सच अ गुड कॉपी, दिस इज़ अ क्वालिटी वर्क। सुमन, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपने रिवराइन फ्लड्स के बारे में बताया, स्टार्टिंग देखो डेटा से किया, एग्जाम्पल्स दिए, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज सो सिस्टमेटिक, लर्न दिस थिंग। देन कॉजेज ऑफ फ्लड बताया, नेचुरल सी, एक फ्लो नज़र आ रहा है, ये मैप बेटर हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस, दिस इज़ अ गुड आंसर, एक कॉन्क्लूजन भी। देन सुमन ने फिर जवाहरलाल नेहरू जी से स्टार्ट किया कल्चरल पॉकेट्स, इसका हमने मेंस डिस्कशन में, मेंस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसके दो सोचने के दो तरीके हो सकते हैं। कल्चरल पॉकेट मतलब कुछ जगह पे मिनी इंडिया है, जैसे आप कुछ बड़े शहरों में जाओ बेंगलुरु, या फिर आप से नॉर्थ में दिल्ली में आओ, या फिर कुछ जैसे IT इंडस्ट्री है, सर्टेन स्कूल्स जैसे केंद्रीय विद्यालय एट्सेट्रा है, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के आपको रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा। तो वो एक कल्चरल पॉकेट बन गया है स्मॉल इंडिया, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हो सकता है कि इंडिया में कुछ पॉकेट्स हैं जिनकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, पर वो इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो देर कुड बी वेरियस वेज, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं होता है। आप अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसका, अपना टैलेंट यहाँ दिखाओ, ये इसका एक बहुत अच्छा जरिया बनना चाहिए। आप अपना टैलेंट दिखाओ कि आप इस तरीके से सोच सकते हो, सिलेबस से कनेक्ट कर सकते हो, थिंक। तो दिस इज़ रियली गुड, ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता है। आप अपना आइडिया दो, उसको बैक करो, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दो, बैक बाय एग्जांपल्स एंड डेटा करो, सिलेबस के विदिन रखो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सो सी, यहाँ पे आप वैल्यू सिस्टम्स वगैरह यहाँ पे बताया है, गुड। फिर एग्जांपल्स भी है, गुड। अब ये मैप है, मैप इज़ रियली गुड, थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट हो गया है। देन दिस इज़ गुड, वेरी नाइस, वर्ल्ड मैप तो बहुत अच्छा बना है, दिस इज़ रियली रियली गुड। सी, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2,
जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका बहुत आसानी से ये मैप बनने लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग वन स्क्रीनशॉट राजीव, आप मल्टीपल पिक्चर्स कलेक्ट करो और वन बाय वन सबको एक ही उसमें अपलोड कर दो, तो इससे क्या जूम अच्छा आएगा, आपका कंपाइलेशन ईजी हो जाएगा। ओके, वरना ये जूम आउट हो जाएगा तो फिर रेडेबल नहीं होगा इसका पीडीएफ जब बनाएंगे अपन। ओके, अदरवाइज आपका आंसर बहुत अच्छा है, दिस इज़ रियली गुड। और आपने यहाँ पे कल्चरल पॉकेट्स भी लिखा, तो सी आप दोनों चीज़ कर सकते हो, बस एग्जाम्पल से बैक करना है। एंड दिस इज़ द मैप एज वेल, वर्ड मैप भी बनाइए। देन दिस इज़ शिवानी, दिस इज़ सो गुड, कितना नीट एंड क्लीन वर्क है। लर्न लर्न, ऑल द स्टूडेंट्स आर सो गुड, देर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम ईच स्टूडेंट, लर्न, दिस इज़ रियली रियली नाइस। सी दिस डायग्राम, इम्पैक्ट 1, 2, 3, 4 एंड वे आउट, वेरी गुड। पालिका, दिस इज़ अगेन वेरी नाइस, आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। दिस इज़ इंट्रोडक्शन, कॉजेज, एनक्रोचमेंट एंड सी द डायग्राम, वेरी गुड। एम्बैंकमेंट, ज्योग्राफी का मतलब ही डायग्राम होता है। देन दिस इज़ मैप, वर्ड मैप कितना अच्छा बनाया है आपने, वंडरफुल। कविता, आपने भी आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, आई एम वेरी हैप्पी। सी राइटिंग इज़ सो नीट एंड क्लीन, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, सिस्टमेटिक होने चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना है, साथ में साइड में दो लाइंस भी ड्रॉ करिए, इससे थोड़ा और सिमेट्री आएगा। देन एग्जांपल्स, वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड आंसर। देन दिस इज़ मैप, नंदिनी ने मैप बनाया है, दिस इज़ रियली रियली गुड, थोड़ा सा इसमें और हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, एंड फोटो जब आप पोस्ट करो तो उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, ओके, हॉरिजॉन्टल ऐसे रोटेट कर दो। अयान, यू आर डूइंग रियली रियली गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, दिस इज़ रियली गुड अयान, दिस इज़ रियली नाइस। कल्चरल पॉकेट, सी द प्रेजेंटेशन, कॉन्टेंट, राइटिंग, एवरीथिंग इज़ गुड, प्रोजेक्ट मौसम एक्सेलेंट। गौरव, दिस इज़ अगेन रियली रियली नाइस, सी कॉजेस, सीधा टू द पॉइंट आया, तो जो ज्योग्राफी टाइप सवाल होते हैं इसमें हम सीधा टू द पॉइंट बातें भी कर सकते हैं, तो इससे हम ज़्यादा वेराइटी ऑफ पॉइंट्स लिख पाएंगे। दिस इज़ द क्लासिक मैप, दिस इज़ द वंडरफुल मैप, 10/10, वेरी गुड अदिति, दिस इज़ वंडरफुल, सी दिस इज़ सो गुड, वेरी नाइस। वर्ड मैप भी कितना अच्छा बनाया, यू आर रियली गुड, वेरी वेरी नाइस। देन अदिति ने ये आंसर लिखा रिवराइन फ्लड का, अब सी नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक कंपैरिजन, दिस चार्ट इज गुड, सॉल्यूशन ऑलवेज प्रोवाइड सम सॉल्यूशंस, कंक्लूजन वेरी नाइस। सतेंद्र, सी हिंदी की लिखावट कितनी अच्छी है, दिस इज़ रियली रियली गुड सतेंद्र, वेरी नाइस। फिर 1, 2, 3, 4, वेरी ऑब्जेक्टिव, 1, 2, 3, 4, 5, वंडरफुल। अयान, दिस मैप इज़ अगेन वंडरफुल, योर राइटिंग एबिलिटीज, राइटिंग स्किल्स इज रियली, स्किल्स आर रियली रियली नाइस, दिस इज़ वेरी गुड। मेट्रोलॉजी, अब आप अपना कॉन्टेंट पे भी बहुत इम्प्रूव करो, बेस्ट टू बेस्ट कॉन्टेंट हमें बनाना है, ओके, सो दैट रियल एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और कॉन्टेंट भी अच्छा होगा, ओके, डू दिस। देन दमन, दिस इज़ वेरी गुड आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, वेरी नाइस, दिस इज़ सो गुड। माइग्रेशन, फेस्टिवल, सी अब इसमें अलग तरीके से सोचा है इस सवाल को, तो दिस इज़ गुड बट बैक्ड बाय एग्जांपल्स है, वंडरफुल। देन वेरी गुड, रिज्यूम करो, वेरी, टू आंसर्स आर मोर देन सफिशियंट, आप दो लिखो, कोई ज़्यादा टेस्ट सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना फिजिबल ही नहीं होता है। आप एक बैलेंस बना के चलो, दो आंसर लिखो, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ो, बैलेंस्ड वे में स्टडी करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ओके। रत्नाप्रिया, दिस इज़ अगेन सो गुड, सी द राइटिंग, आज का आंसर और कुछ टाइम पहले का आंसर, सी एंड यू विल सी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट, तो सी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, वंडरफुल, दिस इज़ रियली गुड। सी दिस इज़ अगेन सो गुड, डाइवर्सिटी, वेरी नाइस, सी वेरी वेरी गुड। ये मैप देखिए कितना अच्छा बनाया है, दिस इज़ सो गुड सतेंद्र, और यहाँ पे कारण भी बताया, नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। देन श्रवण, दिस इज़ अगेन सो नाइस, वंडरफुल मैप, वेरी गुड। प्रिंसी ने भी बहुत, सी द कॉपी सो नीट एंड क्लीन, दिस इज़ रियली रियली गुड कॉपी, वेरी नाइस, अंडरलाइन एवरीथिंग, दिस इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड वर्क, वेरी गुड। मैप वर्क इज सी सो गुड, नीट एंड क्लीन, ये थोड़ा और बेटर करिए इंडिया का मैप। देन सतेंद्र ने भी बहुत अच्छा मैप बनाया है, दिस इज़ रियली रियली गुड, वर्ड मैप और भी बेहतर है, वंडरफुल। आरती, दिस इज़ केसेस ऑफ फ्लड, वेरी ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा और स्पेस लेके बनाते हैं अपन मैप वर्क, सी दिस इज़ रियली गुड कॉपी, वंडरफुल। श्रवण ने भी बनाया, सी द मैप, दिस इज़ रियली गुड, मैप को हमेशा बॉक्स के अंदर बंद करना है, ओके। देन दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट्स, ऑल राइट। सो ये सारे आपके पोस्ट थे आज, फिर मैं कल आपको फिर मैं आंसर दूंगा, उसको भी आप फिर पोस्ट करना, ओके। राइट समथिंग एवरी डे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ओके, और शॉर्टकट्स नहीं है।
ओके, नाउ दीज आर योर कमेंट्स ऑन 9th of July वीडियो. सो दिस इज़ क्योटो प्रोटोकॉल. नाउ सी, ये एक्सरसाइज भी कितना अच्छा हो रहा है. हमारे पास शॉर्ट माइक्रो नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, रिविजन हो रहा है, वेरी नाइस. एंड सपना, वोकेबुलरी एक्सेलेंट. सी वर्ड्स. कृतिका, दिस इज अगेन सो गुड. सारे आंसर्स बताए हैं यहाँ पे. एंड दिस 39D एट्सेट्रा, वंडरफुल. राम नरेश, सो कंसिस्टेंट. सारे सी सेट एंड क्विज के आंसर्स. फाइव आइलैंड, साक्षी वंस अगेन, सच अ गुड आंसर, सच अ गुड पोस्ट. सारा कलेक्टेड है, कंसाइज है, टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है, वंडरफुल. सी स्टेटमेंट क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल का कितना अच्छा कलेक्शन है. दिस इज़ रियली गुड. इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ दिस जापान, इस बार प्रिलिम्स का सवाल भी था. देन दिस इज़ बुलेट एंड सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स, SSB, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन कोल्ड ब्लडेड, 39D, मियावाकी भी प्रिलिम्स का सवाल, माइनर फॉरेस्ट एंड शेरपा, वेरी गुड. सुंदर, इकोनॉमी, दिस इज़ गुड. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रत्नाप्रिया, वेरी नाइस. जापान के आइलैंड्स. एंड दिस इज़ राज, एक्सेलेंट वर्क. सी कार्बन क्रेडिट कितने अच्छे से यहाँ पर बताया, वेरी गुड. दमन, दिस इज़ गुड. एंड यस, शिंजो आबे, स्टेट्समैन, शिवानी, वेरी नाइस. कीर्ति, वंस अगेन रियली रियली गुड. सी सच अ गुड पोस्ट, सारा सिस्टमेटिकली यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ रियली रियली गुड. तो सी, इतना लिखने में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगे और ये चीज़ ना आपके पास रिटेन रहेगा. इस एग्ज़ाम में ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है, जो पढ़ा है वो रिटेन कितना हुआ वो मैटर करता है. ओके, गायन, दिस इज़ अगेन वेरी गुड. 39, सुंदर, सुंदर, श्रवण, वेरी गुड. हिंदी में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन इनेबल होता है. सो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. वी आर इन लाइक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर. देन राम नरेश, सौम्या, वेरी गुड. नंदिनी, गौतम, राज, गौतम, दमन, समीर, एक्सेलेंट. ऑल राइट, सो नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. अमिट प्रोटेस्ट, गोटाबाया अग्रीज टू क्विट. सो प्रोटेस्टर्स ने स्टॉर्म किया प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट. सी, श्रीलंका में क्राइसिस है, इकोनॉमी यहाँ की बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है. सो दैट इज़ वाई ये जो हम बोलते हैं इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा वेलफेयर पॉपुलिस्ट. वेलफेयर इज़ डिफरेंट थिंग, पॉपुलिस्ट इज़ डिफरेंट थिंग. पॉपुलिस्ट भी अगर साउंड इकोनॉमिक्स पे नहीं है, अननेसेसरी अनजस्टिफाइड फ्रीबीज हैं, तो दिस डैमेजेस द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. सो दैट इज़ वाई ये साउंड इकोनॉमिक्स नहीं होने के कारण और चाइना डेट एंगल है यहाँ पे, दिस ऑल थिंग जो श्रीलंका में क्राइसिस हो रहा है. FATF अभी है, पाकिस्तान के भी हालात कोई बहुत अच्छे हैं नहीं, डिफ़िकल्टी में है. पाकिस्तान के तरफ एक तरफ टेररिस्ट की डिफ़िकल्टी है, दूसरा इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं. FATF प्लस इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग वेल. पाकिस्तान डिपेंडेंट अगेन चाइना पे है फॉर दिस फंडिंग एंड ऑल. एंड चाइना का डेट ट्रैप जो है वो तो वर्ल्ड नोन है. सो दिस इज़ अहेड ऑफ FATF विजिट, पाकिस्तान डबल्स एफर्ट. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है. पाकिस्तान जो टेररिस्ट को फंडिंग देता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, तो दैट इज़ वाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं, पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया था, ग्रे लिस्ट में. अब कुछ कंडीशंस मीट होगा तो प्रोबेबली ग्रे लिस्ट से लिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज ब्लैक लिस्ट का भी एक ऑप्शन होता है. तो दिस इज़ FATF लिस्ट. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन द फॉरेस्ट. दिस इज़ रियली गुड. ये रेड पांडा है, रेड पांडा, और बाकी वो जो नॉर्मल जायंट पांडा होता है वो चाइना वाला होता है ब्लैक एंड वाइट. दिस इज़ रेड पांडा. ये जो रेड पांडा है ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है. एक है सिंगालिया नेशनल पार्क, ये हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल में. यहाँ पर अभी ये नए सिटीजन्स आ रहे हैं, नए और रेड पांडाज आ रहे हैं. ये दार्जिलिंग हिल्स में दिस प्रोग्राम स्टार्ट किया था रेड पांडा की पॉपुलेशन को बढ़ाने का. तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है. 20 ऑफ दीज फर होता है इनका, लाइक दिस इज़ अ फर. एंडेंजर्ड मैमल्स हैं ये, अबाउट 5 years टू द फॉरेस्ट. तो इनका कंजर्वेशन प्रोग्राम है, ये जो पांडा है इनके कंजर्वेशन ब्रीडिंग हो रहा है, एंड देन इनको पॉपुलेशन इंक्रीज करने का भी और डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास जारी है. ये नाम याद रखना है, सिंगालिया एंड नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगारिया एंड नेवरा वैली नेशनल पार्क. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है ये वाइल्ड, दिस इज़ वेस्ट बंगाल. अब यहाँ पर ये जो पार्क है 2000 मीटर अबव द सी लेवल है, हाई एल्टीट्यूड है, सक्सेसफुल
कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द फ्यूरी मैमल है। तो दो टाइप के कंजर्वेशन मेथड्स हमने देखे थे, एक हमने देखा था इन सीटू और एक हमने देखा था एक्स सीटू। दोनों के एग्जांपल्स बताइए, इन सीटू के एग्जांपल्स बताइए और एक्स सीटू कंजर्वेशन के भी एग्जांपल्स बताइए। तो ये किस टाइप का कंजर्वेशन हुआ, टेल। अब इनका पॉपुलेशन बड़ा है विच इज़ अ गुड थिंग। अब जो रेड पांडा है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है। रेड पांडाज शाय, सॉलिटरी और एर्बोरियल एनिमल होते हैं। ये जो शब्द है इसका मीनिंग बताइए। देखो ये पांडा कहाँ पर है, हियर हियर, तो इससे ये डिराइव हुआ है ये वर्ड, तो इस वर्ड का मीनिंग बताइए। ये इंडिकेटर स्पीशीज़ है फॉर इकोलॉजिकल चेंज। तो जैसे कोरल रीफ था इंडिकेटर स्पीशीज़, तो वैसे ही ये भी इंडिकेटर स्पीशीज़ है। इकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो इनकी पॉपुलेशन पे इमीडिएटली इम्पैक्ट नज़र आता है। ओके, सो टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड और टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंड इन सीटू एक्स सीटू का भी आप एग्जाम्पल एंड मीनिंग एक्सप्लेन करिए। सो दिस इज़ रेड पांडास। अभी जो नोट्स है मैंने इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है और ताकि ये इजीली रेडेबल भी होंगे और इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। सो बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए इस न्यूज़पेपर वीडियो को जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो केयरफुली। नोट्स का बिल्कुल बॉदर मत करिए, गो थ्रू दिस वीडियो केयरफुली अलॉन्ग विद मी। देन इसके बाद आप एक बार न्यूज़पेपर का क्विक ग्लैंस कर लो अपने न्यूज़पेपर का। सेकेंड डे मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो इसी PDF में ऐड कर लो। दिस विल सेव योर टाइम। तो हमारा एक एवरीडे बेसिस पे एक रूटीन बन जाएगा कि रोज पेपर देखना है, मतलब देखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट रेड पांडास। देन सेलिब्रेशन टाइम है, फेस्टिवल का मूड है, दिस इज ईद, ईद उल अधा जामा मस्जिद इन ओल्ड दिल्ली, सो दिस इज ईद मुबारक। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3, दिस इज नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4, गगन यान मतलब स्काई, हम स्पेस में जा रहे हैं। मंगल यान मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मार्स में। तो ये सारे होते हैं हमारे प्लैनेट्स। सारे प्लैनेट्स का नाम बताइए स्टार्टिंग फ्रॉम सन। सन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो इन सारे प्लैनेट्स का नाम बताइए। इंग्लिश नेम भी पता होना चाहिए आपको, हिंदी नेम भी पता होना चाहिए, बिकॉज आजकल जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो हिंदी बेस पे होती है। जैसे गगन यान है, मंगल यान है, शुक्र यान है, तो यू शुड बी लाइक एक कंसिडरेबल नॉलेज होना चाहिए हमें हिंदी लैंग्वेज का भी। तो गगन यान, तो ये जितने भी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सन, इस ऑर्डर में आगे बढ़िए। यहाँ पे अर्थ भी आएगा, देन फिर ऑर्बिट दिस एस्ट्रॉइड बेल्ट भी आएगा। इस तरीके से सारा एक ऑर्डर में बताइए जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स एंड अदर जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम के अंदर। सो दिस इज़ गगन यान। गगन यान में क्या है, हम स्पेस में ह्यूमंस को भेज रहे हैं, इंडियंस को भेज रहे हैं हम स्पेस में। सेवरल टेस्ट यहाँ पे हुए क्रू मॉडल। अब बिकॉज अगर हमें मशीन्स को भेजना है तो सेफ्टी पैरामीटर्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते, बट अगर वहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है तो हम किसी भी टाइप का चांस नहीं ले सकते। और प्लस जो कॉकपिट है, जो स्पेसक्राफ्ट है, उसको ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए अकॉर्डिंगली थॉरो डिटेल्ड टेस्ट किए जाते हैं। तो अभी ऐसे टेस्ट चल रहे हैं क्रू मॉड्यूल के, कि अगर कुछ ट्रबल हुआ तो एस्केप सिस्टम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें अभी टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग होगा, फैसिलिटीज़ एंड सिम्यूलेटर्स। सो टारगेट तो 2023 है, लेटेस्ट सी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पर टैब रखना है। ISRO के जो मिशंस होते हैं, इसरो के मिशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ पेज नंबर 5, दिस इज़ पेज नंबर 6, वाटर लेवल राइजिंग इन रिवर्स इन केरला। केरला कहाँ पर है, केरला इधर वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे रिवर्स का वाटर जो है वो राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। ये कुछ रिवर्स के नाम हैं यहाँ पे, जैसे कि कदालुंडी, दिस इज़ भारतपुजा, दिस इज़ वमनापुरम एंड दिस इज़ कलादा एंड दिस इज़ थोडुपुजा इदुक्की, और पेरियार रिवर भी है। तो इन रिवर पे दिस वाटर लेवल राइज हो रहा है, तो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे इशू कर दिया गया है, ऑरेंज अलर्ट। ये जो सारा काम मॉनिटर करता है नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF, और NDRF इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारे सिलेबस में क्लियर कट लिखा हुआ है, पेज नंबर GS पेपर नंबर 3। सो वाटर लेवल राइजिंग इन रिवर्स इन केरला। अब यहाँ जो भी पॉइंट्स लिखने होते हैं ना, इसको अभी हमने पहले भी कवर किया, एक बार और कवर करेंगे। इन पॉइंट्स को आप
जो NDRF NDMA की ऑफिशियल वेबसाइट्स में दिया है, जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स में ट्वीट्स आते हैं या फिर पोस्टर्स इन्फोग्राफिक्स आते हैं, वहाँ से आप पिक करो, तो वो लाइक वो पॉइंट्स होंगे जो सीधा NDMA बता रहे हैं, NDRF बता रहे हैं, ओके, सो वो ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे। देन दिस इज़ केरला का ही ये न्यूज़ है, ये है यहाँ पे बोट रेस, इसको बोलते हैं स्नेक बोट रेस। जो कल्चर है केरला का, बिकॉज केरला में स्टैग दिस बैक वाटर्स है, बैक वाटर्स में ज़्यादा फ्लो नहीं होता है, तो वो काइंड ऑफ स्टैग्नेंट होते हैं, तो वहाँ इस टाइप की बोट रेस बहुत पॉपुलर है। कोविड के कारण 2 साल से ब्रेक लगा था, अभी फिर से इसको रिज्यूम कर रहे हैं। पल्सेटिंग रोज ऑफ माइटी दिस ऑर्स मैन हैव बीन अगेन वंस अगेन स्टार्टेड रेवरबरेटिंग अराउंड द शोर लाइन्स ऑफ केरला दिस। तो ये जो बैक वाटर यहाँ पर होते हैं, केरला के बैक वाटर जैसे बहुत ब्यूटीफुल है, ये क्या है टेल, ये जो बैक वाटर है इसकी ज्योग्राफी बताइए, शॉर्ट नोट बताइए, वाटर दीज बैक वाटर, बैक वाटर्स क्या ये एक टाइप ऑफ लगून है, आंसर। सो दिस इज़ दैट एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट फाइनली इन फोकस। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कर्नाटका में, आफ्टर 2 decades कंजर्वेशन वर्क इस साइट का स्टार्ट हो रहा है। एक्सकेवेटेड एंटिक्विटीज़ हैं ओपन एरिया में, फॉर 20 years यहाँ पर था कनागन हली ASI साइट नियर सानाती में, तो अभी इसका कंजर्वेशन फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। बुद्धिज़्म इन दिस साउथ, दिस इज कर्नाटका। देन दिस इज जेलेंस्की सैक्स यूक्रेन एम्बेसडर टू इंडिया, यूक्रेन एंड रशिया वॉर, नॉर्थ जोनल काउंसिल डिस्कसेज सिक्योरिटी, क्वाड लीडर्स मॉन शिंजो आबे, एंड दिस इज पेज नंबर 8 एंड दिस इज पेज नंबर 9, आर्टिफिशियल डाइट फीडिंग डिवाइस फॉर मॉस्किटोज़। यहाँ क्या बात है, हम मॉस्किटोज़ को इसलिए स्टडी करते हैं बिकॉज मॉस्किटो एक इम्पॉर्टेंट वैक्टर है, कैरियर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस का, अभी स्टार्टिंग में ही देखा मॉस्किटो एंड पैथोजेंस। सो वॉट वी ऑलवेज ट्राई टू डू कि मॉस्किटो का जो पॉपुलेशन है वो कम करें। मॉस्किटो पॉपुलेशन करने के लिए जैसे दिल्ली में भी डेंगू के कैंपेन्स चलते हैं, मॉस्किटो पॉपुलेशन कम करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टैग्नेंट वाटर जो है उसको स्टैग्नेंट स्टॉप नहीं होने दो। ठहरा हुआ पानी जो होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, वो स्टिंक करता है, तो ऑलवेज कीप मूविंग। तो द पॉइंट इज़ मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम करना है, तो एक तो स्टैग्नेंट वाटर हुआ, डर्टी है एट्सेट्रा, उसको कम करो। सेकेंड, इनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए से ब्रीडिंग इनकी स्टॉप कर दो या फिर से इनको स्टराइल कर दो ताकि पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़े, ऐसे तरीके यहाँ पे स्टडी करते रहते हैं। तो लैब बॉर्न मॉस्किटोज़ का यहाँ पे इन्होंने 2 तरीका निकाला है, फैक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर का, और इस पर पेटेंट भी किया है। आर्टिफिशियल डाइट दो, डिवाइस फॉर मॉस्किटो रेयर्ड इन लेबोरेटोरी, सो दिस इज़ मॉस्किटो। देन दिस इज़ टेक्निकल स्नैग एंड ग्लेशियर्स। नाउ सी, ग्लेशियर्स इन द्रास आर रिसीडिंग फास्ट। ये क्या होते हैं, ऐसे बहुत बड़े बर्फ़ जमी हुई है, दीज आर ग्लेशियर्स, इन्हीं जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और उससे बहुत सारी रिवर्स जनरेट होती है, रिवर्स का यहाँ पर दिस सोर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बताओ, गंगा रिवर किस ग्लेशियर से निकल रही है, यमुना रिवर किस ग्लेशियर से निकल रही है, और से नॉर्थ की और भी रिवर्स है, इंडस हुआ या फिर आप ले सकते हो चेनाब या फिर सतलज। ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट, ये जो ऊपर की जो हिमालयन रिवर्स हैं ये किस ग्लेशियर से इनका सोर्स है, ओके, तो ग्लेशियर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे यहाँ पे हमें फौज भी रखना पड़ता है, फौज है मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इससे बनेगा ब्लैक कार्बन। ये जो ब्लैक कार्बन है वो बर्फ़ पे ऐसा होता है, हीट ज़्यादा होती है प्लस अल्बिडो भी, तो वो क्या होता है बर्फ़ को पिघलाने लग जाता है। तो इस स्टडी ने पाया कि हैवी वेहिकुलर मूवमेंट है, इससे जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज़ द रीज़न। अब लेट अस सी, यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक प्रेजेंस भी है, और अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे विद द सेम पेस तो डिफ़िकल्टी होगा रीजन की वाटर सप्लाईज को, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस को, इकोसिस्टम सर्विसेज को, और ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग को, ओके। सो द होमवर्क इज़, यहाँ इन इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स के नाम बताइए जिनसे कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पे जिनका सोर्स है। देन दिस इज़ पेज नंबर 10, देन दिस इज़ मिस्टर शी हेल्स आबेज कॉन्ट्रीब्यूशन,
देन दिस इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक इसमें नया न्यूज़ आ रहा है कि मंकी पॉक्स के असिम्टमेटिक केसेस देखने को मिले। असिम्टमेटिक मतलब मंकी पॉक्स हुआ है बट वो दिख नहीं रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा और तेज़ी से स्प्रेड होगा। सो दिस इज़ देयर वायरल लोड उनमें दिखा है। अब जैसे COVID-19 देखा था, ये जो मंकी पॉक्स है इसमें भी थ्योरीज़ कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट नो द बेसिक्स कि दिस इज़ मंकी पॉक्स, दैट्स ऑल। ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सुप्रीम कोर्ट USA ड्राफ्टिंग रेगुलेशन टू ड्राइव द कंट्रीज पावर इंडस्ट्री फ्रॉम कोल एंड टूवर्ड्स क्लीनर एनर्जी सोर्सेज। तो ये जैसे दिख रहे हैं पावर प्लांट्स, ये बेसिकली कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे। वर्ल्ड में आज जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे इससे भी पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस आ रही है, इनको कट किया जाए और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ हम मूव करें। तो एज प्रोमिस्ड इन 2015 पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। देन दिस इज म्यून एंड मैग्नेटिज्म। तो एक्सपेरिमेंट ने बताया है, एक्चुअली जो पार्टिकल फिजिक्स होती है इसमें भी अभी भी रिसर्च इज ऑन, देर आर सर्टेन मिसिंग थिंग्स जो अभी भी हम क्लियरली नहीं बता पाए, तो ये स्टडी ऐसी चलती है। अब एक रिवाइज्ड कैलकुलेशन हुआ है, तो थ्योरी है प्रेडिक्शन का कि म्यून मैग्नेटिज्म माइट नॉट बी टू फार फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन आफ्टर ऑल, सो अभी रिसर्च इज गोइंग ऑन। फूड कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, फूड अकाउंट्स फॉर नियरली 1/5 ऑफ कार्बन एमिशन इन द फूड सिस्टम। तो जितना एमिशन इससे एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं फुटप्रिंट, उसके फुटप्रिंट क्या है। 7 times the अमाउंट प्रीवियसली एस्टिमेटेड, तो 2017 का डेटा है, 3 GT ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ है। वेल्दी नेशंस रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर जनरेटिंग हाफ ऑफ ऑल द इमिशन, सो दैट इज़ वाई इंडिया हमेशा क्या बोलता है, CBDR, इसका फुल फॉर्म बताइए। इंडिया हमेशा यही बोलता है कि CBDR होना चाहिए, वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। इंडिया पे अगर हम स्ट्रिक्ट यहाँ पे हम ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम से फॉसिल फ्यूल टू क्लीनर एनर्जी, और क्लीनर एनर्जी अभी वाइडली अवेलेबल भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई नेट जीरो में भी इंडिया ने थोड़ा टाइम लिया है। इंडिया नेट जीरो किस साल में बनेगा, टेल नेट जीरो, और नेट जीरो का मतलब क्या होता है ये भी बताइए। ये है पोलियो थ्रेट, पोलियो थ्रेट, तो पोलियो भी एक टाइम पर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता था यंग किड्स, तो UK हेल्थ ऑफिशियल्स आर अर्जिंग पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो। तो ये जो वायरस है ये लिम्स को डैमेज करता है। थैंकफुली इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, बट दिस पाकिस्तान अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो वायरस का थ्रेट है। इंडिया पोलियो फ्री कब डिक्लेयर हुआ, प्रिलिम्स का सवाल है, इंडिया पोलियो फ्री कब डिक्लेयर हुआ। ओके, सो दिस इज़ SNT। अब एक एंशियंट जॉ बोन है डग अप हुआ है स्पेन का दिस सिटी में, तो हम देखेंगे हमारा सिविलाइजेशन कैसे हुआ। एक्चुअली वी आर ऑल्सो एनिमल्स, थोड़े एडवांस्ड एनिमल्स हैं बट वी आर ऑल्सो एनिमल्स। हमारा इवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ है, लाइक पहले होमो सेपियंस तो अब बने हैं, इस तरीके से पहले होमो इरेक्टस एट्सेट्रा, फिर एक नियनडर्थल भी होता था, इस तरीके से ग्रेजुअल ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है। देन लर्निंग को बेटर करने के लिए एक ये टूल बना हुआ है। अब सी, जो बच्चे होते हैं, बच्चों को भी सबका एक यूनिक चैलेंज होता है। मैं 1-to-1 सेशन स्पीड कर रहा हूँ, कल भी बहुत सारे हुए थे स्पीडिंग अप, बहुत जल्दी हमारा 1-to-1 सेशन होगा। एंड 1-to-1 सेशन में मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया है, लास्ट बैच में भी देखा था, ऑल द स्टूडेंट्स आर यूनिक। हर किसी का जो सोचने का तरीका है, परसेप्शन है, एग्ज़ाम्स का क्या रिक्वायरमेंट है, किस पर्पस से एग्ज़ाम फाइट कर रहा है, वो बहुत कुछ यूनिक होता है। तो दैट इज़ वाई जो 1-to-1 सेशंस होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं, तो कई बार जो जेनेरिक चीज़ें बताई जाती है वो ऐसा नहीं है कि सबके लिए फिट हो जाएगा। हर किसी का रिक्वायरमेंट, स्टडी का पेस भी डिफरेंट होता है। सो सिमिलर इज़ द केस विद से एस्पेशली इन चिल्ड्रन। जैसे चिल्ड्रन को ज़्यादा इंटरैक्टिव रहो, उनके जो यूनिक रिक्वायरमेंट है पढ़ाई में, जो उनको यूनिक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है उसको एड्रेस करो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा वो सब्जेक्टिव में इतना अच्छा है, आप उसका आंसर लिखने को बोल दो वो लाइक टॉपर्स वाला आंसर लिख सकता है, बट जहाँ बात आती है 4 MCQ चूज़ करने के लिए वो प्रिलिम्स में चौक हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता।
कुछ स्टूडेंट्स इतने अच्छे होते हैं बट जब भी प्रेशर वाली बात आती है, एग्जाम प्रेशर एंड दिस, वो हमेशा साउथ अफ्रीका की टीम बन जाते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते. सो इन चीज़ों को भी हमें ओवरकम करना है. ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो इंडिविजुअल सेशंस हैं और जो इंडिविजुअली जो बात करना ज़रूरी है. देन एक्सरसाइज कीप्स योर ब्रेन यंग, दिस इज़ अ नो ब्रेनर, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है और एक अपनी डाइट पे ध्यान देना है. इन दो चीज़ों को आपने फिक्स कर दिया तो यू विल स्टे हेल्दी. आफ्टर द एज ऑफ 40, जैसे जो ब्लड फ्लो है ब्रेन में ये कभी कम होने लग जाता है. हम अक्सर एल्डरली में देखते हैं उनका लाइक जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं. एजिंग से अल्जाइमर जैसी डिसीजेज भी आती है. सो ब्रेन में इंजुरी होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ वाई एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर एक्सरसाइज से वेट भी कम होता है. ओबेसिटी इज़ नॉट गुड, ओबेसिटी इज़ नॉट गुड, एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी इज़ नॉट गुड, फिट होना ज़रूरी है. तो ये जो ओवर वेट होते हैं तो ओवर वेट से भी सर्टन टाइप्स ऑफ जो डिसीजेज है, सेवरल टाइप्स ऑफ डिसीजेज है, उसका इन्विटेशन है अगर आप मोटे हो, ओबेसिटी है तो दैट इज़ वाई एक्सरसाइज करो. और डाइट भी कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज भी करना है. ऑकरेंस ऑफ दिस सर्टेन डिसीजेज भी देखने को मिला. द होल आइडिया इज एक्सरसाइज इज गुड. जो दो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट और शुगर, इसको कम करिए, थोड़ा कम. देन हेल्थ एंड कॉग्निटिव पैरामीटर भी, एक्टिव रहना ज़रूरी है. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब से COVID-19 एंड ऑल हुआ, वर्क फ्रॉम होम भी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है. सो दैट इज़ वाई एक्सरसाइज. ये है ऑल्टरिंग ग्रीन लॉज, ऑल्टरिंग ग्रीन लॉज. यहाँ क्या बात है, अभी काफ़ी दिन से हम ये देख रहे हैं, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए. ये जस्ट प्रपोजल्स हैं, अभी ये फ्लोट हो रहे हैं, इसमें अभी बहुत चेंजेस आएंगे. सो राइट नाउ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. प्रपोजल्स क्या हैं, एक तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसमें फ्रेमवर्क है स्टडी प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी का, स्पीड सॉल्यूशंस कैसे करें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के, थ्रेट्स आइडेंटिफाई एट्सेट्रा. इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिसमें बड़े स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलता था, जैसे कि जेल. अब इस जेल वाले टर्म को से कुछ मॉनेटरी फाइन वगैरह में कन्वर्ट करने की बात है. सो दैट जो जेल टर्म है, जैसे पहले FCRA के पहले एक फेमा होता था, तो FCRA में वो जेल टर्म थोड़ा रिलैक्स किया. सिमिलर टाइप ऑफ थिंग एनवायरमेंटल लॉज में करने की बात है. तो अभी सारे स्टेक होल्डर्स से पूछा है, 21 जुलाई तक रेस्पॉन्ड करने दो, हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर अदरवाइज रिपीटिशन हो जाएगा बहुत. ये कुछ लेजिस्लेशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, ये सब याद रख लीजिए, स्पेशली मेंस. इसमें जहां मौका मिले इस एक्ट को लिखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एक्चुअली क्या होता है, हम खुद से बोलेंगे कि वी शुड कंजर्व द फॉरेस्ट, वी शुड नॉट डू दिस थिंग. अब ये काफ़ी प्लेन सिंपल स्टेटमेंट लगा. अगर हम बोलें अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 वी शुड नॉट बी डूइंग दिस थिंग, अदरवाइज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा वजन बढ़ गया. तो दैट इज़ वाई ये चीज़ें याद रखा करो, बातें अपनी ही बोलना है बट रेफरेंस यहाँ से लेना है. वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 74, प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, एयर का भी बता दिया, एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, पब्लिक लायबिलिटी बता दिया, CPCB का यहाँ पे रेफरेंस आप दो. सो दिस इज़ गुड आंसर, इससे बेटर नज़र आता है. बाकी पॉल्यूशन कम करना है, NGT तो हर सवाल में लिख ही देना चाहिए, NGT 2010 नेचुरल जस्टिस. वॉयलेशन की बात थी, उसको कम करना है. सो यहाँ पर अब जो एक्टिविस्ट हैं वो इसको अभी बता रहे हैं कि हम डाइल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंटल लॉज, जो करेक्ट नहीं होगा. अब एनवायरमेंटल लॉज से ही बात आती है मणिपुर में जो लैंडस्लिप हुआ. एक होता है EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. कोई भी प्रोजेक्ट करना है पहले उसका हम स्टडी करते हैं कि इससे क्या डैमेज होगा एनवायरमेंट में. अब जैसे ये है मणिपुर, ये हमारा राज्य मणिपुर और ये हमारा राज्य असम. अब यहाँ इम्फॉल है इसकी कैपिटल और यहाँ पर जिरीबाम दिस असम में प्लेस है. ये जो एरिया था इसको बात थी कि एक रेलवे ट्रैक से कनेक्ट कर दिया जाए फ्रॉम जिरीबाम टू इम्फॉल. अब रेलवे ट्रैक से कवर हो जाएगा तो वैसे 10-12 घंटे लगते हैं ट्रैवल करने में, रेलवे से 2 या 3 घंटे, तो सी टाइम सेव हो रहा है, गुड. प्रॉब्लम ये था कि ये जो ट्रैक था इसमें जो टेरेन है, हिल्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, तो वो जो टेरेन है उससे आपको हिल में टनल डिग करना पड़ेगा. देन यहाँ पे जो हिल्स हैं वो लाइक लैंडस्लाइड प्रोन भी हैं,
रेलवेज ने इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़े और फिर डिफ़िकल्टी आई लैंड स्लिप्स की। सो फिर वही सवाल हो जाता है, जैसे चार धाम में भी हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं, दिस इज़ हम वाइडनिंग ऑफ रोड्स हो रहा है यहाँ पे, जो स्ट्रैटेजिक वे में भी इम्पॉर्टेंट है, चाइना बॉर्डर एरिया पे क्विकली हम फोर्स डिप्लॉय कर पाएंगे, बट वॉट अबाउट एनवायरनमेंट कॉस्ट, वॉट अबाउट सच टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स अगर वहाँ पे होने लग गए, बिकॉज टनल खोदना है तो उसमें मशीन्स ड्रिल्स करनी पड़ेगी, कई बार हमको दिस डायनामाइट एट्सेट्रा लगाना पड़ता है, तो बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है, डिफॉरेस्टेशन ऑलरेडी हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, लैंड स्लिप्स एक कॉमन साइट बनता नज़र आ रहा है। यहाँ एक और पॉइंट लिखा है कि जो लोकल्स होते हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है टेरेन का, तो लोकल विजडम को भी हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। मेक इट अ रूल आप टूरिज़म में कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं, से किसी हिली एरिया में, रिमोट एरिया में, या फिर से हिमालयाज़ में एट्सेट्रा, जो लोकल्स होते हैं, लोकल्स की विजडम जो होती है उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, नो मैटर आप कितने क्वालिफाइड हो, सब गूगल सब देख रखा है, मैप्स एट्सेट्रा, बट जो लोकल्स की जो विजडम है, नेवर इग्नोर दैट लोकल्स का विजडम। ओके, सो हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मणिपुर लैंडस्लाइड, बिकॉज दे आर लिविंग देयर डे एंड नाइट, दे नो देयर एटमोसफियर द ज्योग्राफी वेरी वेरी वेल, सो ऑलवेज लिसन टू देम। What is causing surge in COVID-19 cases? Omicron का एक variant है, mask कभी भी आपको लगाना चाहिए, okay? Face mask. Multilateral platform है is a polarized word. अभी G20 की meeting होने वाली है, G20 में इंडिया भी है, तो this is important organization. G20 क्या है? G20 world की 20 leading economies है, leading economies. Problem होगा यहाँ पे रशिया भी होगा और US led NATO group भी होगा, एक तरफ ये फाइट कर रहे हैं, एट वॉर है, दूसरी तरफ मीटिंग में ये रिप्रेजेंट करेंगे, सेम डेस्क शेयर करेंगे, ये पॉसिबल कैसे होगा? इसी बात पे जोको विडोडो, जो इंडोनेशिया के चीफ हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं कि G20 मीटिंग में एब्सेंट नहीं हो जाएं सर्टेन कंट्रीज़, तो लेट अस सी, इस मीटिंग को होने देते हैं, इसको हम फिर से एक बार रिविजिट करेंगे, प्लस जो नेक्स्ट ईयर का जो वेन्यू है ये भी अभी इंडिया में टॉक्स चल रहा है कहाँ पर होना है, लेट अस सी, वेट एंड वॉच। Then this is HRD National RBI to remain flexible while aiming at taming inflation. Inflation को tame करना is the topmost priority right now. Adani Group अब 5G spectrum race में आएगा, Mahindra EV में अब this lead लेगा, Musk ने ये deal scrap कर दिया है। Remember जब ये deal announcement हुआ था मैंने क्या बोला था, wait and watch, this is ये deal अभी scrap हो गया। Then Tata Consumer Products aims to be serious coffee players. Okay, then this is sports, India series jeet gaya, very good. Then Wimbledon ka final, aur ye hai mountain pilgrimage. See, pilgrimage, abhi jaise hum pilgrim ke liye mountains jaate hain, but ye jo mountain ecology hai, jo mountain environment and ecology hai, ये बहुत डेलिकेट है, ये पूरा एनवायरनमेंट सिस्टम, इसका एक कैरिंग कैपेसिटी भी होता है, तो दिस इज़ फेथ एंड पिलग्रिम इज़ वन प्लेस, बट जो एनवायरमेंटल इकोलॉजी है उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम ये पिलग्रिमेज को प्लान करें, सो दैट एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर्स भी नहीं हो, और ये जो पिलग्रिमेज है ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे, नाइटमेयर नहीं बने बिकॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। सो दिस इज़ देयर, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, this is food camp and this is this, इनको security भी provide यहाँ पर होता है, this is फौज यहाँ पर deployed है, so this is there, so this is today's newspaper, prelims and mains batch का आज class होगा, revision class होगा, हम सारा जो अभी तक पढ़ा है उसको हम quickly revise करेंगे, okay, so thank you so much for watching this video, take care, study well and be safe.